हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एक और क्वेश्चन रिजोल्यूशन पर करते हैं, जिससे हम अपनी पार्टनरशिप को कंफर्म करें और कैपिटल या शेयर कैपिटल वाले चैप्टर की तरफ चलें। तो आज का क्वेश्चन है कि सृजन, रमन और मनन तीन पार्टनर्स हैं और इन तीन पार्टनर्स के बीच की जो रेशियो है वो 2:2:1 है। अब क्या हुआ है कि डिजोल्व हुआ है, तो ये हमें पहले समझना है। डिजोल्यूशन का क्वेश्चन है और हमें ये तीन चीज बनाने को कही है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। और क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 8 हैं। तो 8 में ये तीन चीजें बनानी है, हम एक साथ तीनों को बनाएंगे सो दैट हमें कोई भी चीज छूटे ना। हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्वेश्चन को राइटली पूरा कर लें। तो अब शुरुआत जब डिसोल्यूशन की होती है तो पहले जो आइटम बैलेंस शीट में लिखी है वो इन तीन अकाउंट्स में ट्रांसफर करने से होती है। तो शुरुआत करते हैं लायबिलिटी साइड का। पहला वो कैपिटल है, वो कैपिटल बैलेंसेस आप यहां दिखा दीजिए, बाय बैलेंस बीडी। तो देखिए सृजन की कैपिटल का जो बैलेंस है वो 2,00,000 है, रमन की कैपिटल का बैलेंस 1,50,000 है। अब वहां डैश इसलिए लगाया क्योंकि कैपिटल ऑफ मनन जो है वो हमारी एसेट साइड में गिवन है, तो इसलिए उसका जो बैलेंस है वो डेबिट है। तो अब उसको हम कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। कितना अमाउंट, 10,000। तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा कि अगर एसेट साइड में कैपिटल का बैलेंस है तो पैसा मनन से फर्म को लेना है, तो इसीलिए हम उसको डेबिट साइड में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के दिखाएं। अब चलते हैं आगे, क्रेडिटर। क्रेडिटर थर्ड पार्टी है जिसको हमें पेमेंट रियलाइजेशन के थ्रू करनी पड़ेगी, तो इस अकाउंट को हम यहीं से क्लोज कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्रेडिटर यहां पर लिख दिए। कितने, 75,000। बिल्स पेबल भी थर्ड पार्टी है तो ये भी आप यहीं पर लिखेंगे, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का है 40,000 का अमाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थर्ड ही पार्टी है क्योंकि इंप्लॉइज को देनी है, तो ये भी बाहर वाले ही है, तो हम इनको भी यहीं पर लिखकर पेमेंट करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया हमने यहां पर 35,000। तो इस तरीके से लायबिलिटी साइड हमारी रियलाइजेशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डालकर पूरी होती है। अब एसेट्स में चलते हैं। देखिए यहां सबसे पहले प्लांट है, तो क्योंकि कई सारी एसेट्स हैं आपकी तो आप यहां पर लिख दीजिए सन्ड्री एसेट्स, जिससे हम सारी एसेट्स को एक साथ लिख पाए। तो उसमें सबसे पहले प्लांट है, प्लांट लिख दिया। कितने का है, 2,20,000 का। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट है 70 की, फिर हमारा स्टॉक और डेटर है 50,000 और 60,000 का, वो लिख लेते हैं स्टॉक डेटर 50,000 60,000। फिर देखिए तो बैंक है, बैंक अकाउंट में डालना पड़ेगा, वो रियलाइजेशन में भी नहीं आएगा और ना ही हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जा सकता है। तो बैंक का बैलेंस हमने यहां लिख लिया 10,000, बैंक भी हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये लॉस है और इस लॉस को हम डायरेक्टली पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको आप यहां लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये 2:1 की रेशियो जो इनके बीच की है उसमें आप डिवाइड करोगे, तो जब 2:1 की रेशियो में हम डिवाइड करेंगे तो 16 यहां पर आएगा, 32 यहां पर आएगा और 32 ही यहां पर आएगा। तो इस तरीके से हमने जो बैलेंस शीट की जितनी आइटम्स थी वो सारी इन तीन अकाउंट्स में डाल दी, जो तीन अकाउंट्स हमें मेंटेन करने हैं। अब हम अपनी एडजस्टमेंट पर चलते हैं कि एडजस्टमेंट हमें क्या कहती है। तो देखिए सबसे पहले बोला गया कि सृजन को अपॉइंट किया गया कि उसको रियलाइज करनी है एसेट्स और डिस्चार्ज करनी है सारी लायबिलिटी, और इसके अगेंस्ट हम उसे 5% कमीशन देंगे जो भी वो बेचेगा एसेट्स, और जितने एक्सपेंस होंगे वो उनको बियर करेगा। एक्सपेंस कुछ भी अगर नीचे कहीं मेंशन है तो वो सृजन को पे करने हैं, हमें पे नहीं करने, फर्म को पे नहीं करने, और अकाउंट हम फर्म के बना रहे हैं। हम बस क्या करेंगे, जितनी एसेट वो बेचेगा उस पर 5% की उसको कमीशन देंगे। तो ये एंट्री बाद में होगी,
बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं कि एसेट्स से कैसे कैसे रियलाइज्ड हुआ। तो देखें हम, तो प्लांट स्टॉक और डेटर तीनों दे रखे हैं, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बता रखा है। तो हम सारी एसेट्स को एक जगह रियलाइज करवाते हैं सो दैट हम जो कमीशन है उसको निकाल पाए। जो देखिए सबसे पहले प्लांट 85 में सेल हुआ या उससे रियलाइज हुआ हमें, स्टॉक 33 में, एक यहां का भी टोटल करना था वो रह गया था तो वो कर ले पहले फिर उधर चलेंगे। अब यहां पर आते हैं तो डेटर्स लिखते हैं 47, ये एंट्री हमारी पूरी हुई, तीनों चीजें डाल दी, इन्वेस्टमेंट भी डाल देते हैं 90% वैल्यू पर, 95% इन्वेस्टमेंट 70 की है। तो अब अगर हम देखें तो 70,000 का हमें 95% निकालना है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है, देखिए हम निकालेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करना जिसको इजी लगता है वो इजीली निकाल लेगा। तो ये 66,500 का अमाउंट आएगा, वैसे भी चाहो तो आप, क्योंकि 5% डाउन है तो 70,000 का 5% अगर मैं निकालता हूं तो 3500 आता है, तो आप 3500 70 में से माइनस भी करेंगे तो भी ये फिगर आ सकती थी। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किसको इजी मानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट से हमें 66,500 रिलाइज होता है। देखिए चार एसेट थी, चारों हमने बेच दी, तो एक तरीके से जितनी एसेट को बेचने का काम दिया गया था श्रीजन को वो उसने पूरा किया। अब देखिए कितना फर्म को रिलाइज हुआ इन एसेट्स को बेचने से, ₹2,31,500। तो आप देख सकते हैं कि 4 लाख की चीज को हमने 2,31,500 में बेचा, लॉस हमें हो रहा है ऑब्वियसली है, दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो 2,31,500 आया इसी पर श्रीजन को कमीशन देनी है, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है कि 5% सेल ऑफ एसेट, तो आप 5% इस पर कमीशन दो इसको। ₹11,575 बैठेगी ये कमीशन है जो यहां देनी पड़ेगी हमें, किसको, श्रीजन को। तो हम श्रीजन कैपिटल अकाउंट लिख देंगे और लिख देंगे कमीशन के हैं ये, ठीक है। कितना, 11,575, और ये श्रीजन के कैपिटल अकाउंट में यहां पर भी डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एडजस्टमेंट है दो इफेक्ट होने ही चाहिए, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट लिखा श्रीजन के अकाउंट में, ₹11,575 हम लिख देंगे। ऑब्वियसली है, देखिए जब मैंने कहा कि डबल इफेक्ट है, तो अगर इस कमीशन के डबल इफेक्ट हैं तो फिर इन एसेट्स को बेचने का भी डबल इफेक्ट होना चाहिए। एक इफेक्ट हम यहाँ डाल चुके हैं, दूसरा इफेक्ट बाय से टू में पहुंचा दीजिए। क्या लिखेंगे यहां पर हम, रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो सन्ड्री एसेट्स, आगे लिखना चाहते हो तो सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड भी लिख सकते हो। तो हमने बैंक की एंट्री को बैंक में भी पहुंचा दिया, बाकी अभी तक कुछ ऐसा हमने किया नहीं, दो एंट्री की थी उन दोनों की ट्रीटमेंट कर दी, श्रीजन को कमीशन दे दी, वो कमीशन यहां पर लिख भी दी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे हमें बताया गया कि फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड फॉर अर्लियर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसको अब आपको पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां आप लिखिए टू बैंक और लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग बिल्स फॉर रिपेयर, अमाउंट है 7,500।
अभी इसको बैंक में डालेंगे, पर अभी सारी एंट्री कर ले पहले लायबिलिटी को। जब करेंगे एक कॉन्टिजेंट लायबिलिटी लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट करा लिया था हमने उसको बैंक से, हैड आल्सो मेटीरियलाइज्ड एंड हैड टू बी डिस्चार्ज फॉर 15,000। तो एक बीआर था जिसको मैंने अपने बैंक को दे दिया था, डिस्काउंट कराकर पैसे ले लिए थे, वो पैसा उस बिल के अगेंस्ट उनको मिलना था, पर जिसको वो पैसा देना था उसने नहीं दिया, तो वो भी अब मुझसे चार्ज किया जा रहा है, तो वो भी मैं पे करूंगा। तो पे करने के लिए बैंक से रियलाइजेशन टू बैंक की एंट्री होती है। अगर एंट्री की बात करें, यहां पर हम लिख देंगे बी आर डिसऑनर्ड हो गया, तो वो अब मुझे पे करना पड़ा। तो उसकी एंट्री हो गई, बैंक से ही चल रहा है, यहां पर डालने हैं अभी डालेंगे। एक्सपेंसिस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹3,000 वर पेड बाय श्रीजन, श्रीजन को ही देने हैं वो, तो इसका फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आप लास्ट वाली के लिए कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होगा इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रीजन की ही है, मैं तो कमीशन उसको दे चुका हूं। तो 3000 की एंट्री हम पास नहीं करेंगे। यह एंट्री आपको सिर्फ एक तरीके से कहा जाए तो कंफ्यूज करने के लिए किया था कि इसकी अकाउंटिंग होगी या नहीं होगी। अभी हम देखें तो दो लायबिलिटी अभी भी हमारी पड़ी हैं जिनके बारे में कुछ नहीं बताया कहीं पर भी किसी भी एंट्री में कि इनकी पेमेंट की गई नहीं की गई, क्या हुआ। तो लायबिलिटी के बारे में लिखा हो ना लिखा हो वो हमें पे करनी ही है। तो यहां आप क्रेडिटर को पार पर मतलब कि 75 पर पे करोगे, ऐसे ही आप बिल्स पेबल को भी करोगे 40, और जो आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है आप उसको भी पे करोगे। तो आप ये सारी चीज पे करोगे, आउटसाइडर लायबिलिटी तीनों पे की जाएंगी, ठीक है, चाहे लिखा हो और चाहे ना लिखा हो। तो बैंक से हमें टोटल इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब अगर इसका टोटल हम करें तो ये 172,500 आता है। इतने की पेमेंट को हम यहां शो कर देंगे जिससे इसका डबल इफेक्ट रिकॉर्ड हो जाए, रियलाइजेशन अकाउंट, लिख दो सन्ड्री लायबिलिटी पेड 172,500। तो इस तरीके से हमने अपनी लायबिलिटी को भी क्या कर दिया, पे कर दिया। अब हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है, रियलाइजेशन को, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे, बैंक अकाउंट फिर क्लोज होगा। तो दिख रहा है, देखो हर तरीके से दिख रहा है कि लॉस ही लॉस है, क्योंकि ये साइड हमें बड़ी ही दिख रही है। तो हम टोटल इसीलिए पहले करते हैं, ₹5,84,075 आता है। और जब इसमें से आप ये माइनस करेंगे ₹1,02,575 का लॉस आता है। एक बार हम टोटल चेक कर ले जिससे टोटलिंग मिस्टेक ना हो। यहां आता है 75 और 35, 1,10, 1,50, 1,50 है और ये 2,31,
231 और 150 होते हैं 381,500, और इसको किसमें से माइनस करना है हमें, 584,075। दो आना है बस। तो ये 202,575 का लॉस आता है। अब आप इस लॉस को तीनों पार्टनर में ट्रांसफर कर दीजिए, तीनों पार्टनर है श्रीजन, रमन और मनन। इस रेशियो में 2:1 की रेशियो में, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये लॉस के अमाउंट आ जाएंगे। ये लॉस के अमाउंट फिर हमें यहां दिखाने होंगे रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। इक्यासी हजार तीस, 40,515। अब हम अपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मनन का काम करते हैं। मनन से लेना ही है फॉर्म को, मनन को कुछ पे नहीं करना। तो मनन पैसा लेकर आएगा, तो हम यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना लेकर आएगा, छियासठ हजार पांच सौ पंद्रह, क्योंकि ये पैसा आएगा तो ये यहां आ जाएगा मनन कैपिटल अकाउंट। अब अगर इनके टोटल करते हैं तो इनकी ओबीसी है, ये साइड बड़ी है, इनको आपको पे करना पड़ेगा। मनन को छोड़कर एक बार टोटल फिर चेक कर लेते हैं। ये 36,970 आएगा। ऐसे ही अगर यहां देखें तो 211,575 और 211,575, और फिर अगर बैलेंसिंग निकालें ये अमाउंट आएगा हमारा श्रीजन का। हाँ, दोनों ट्रांसफर कर दीजिए आप, श्रीजन कैपिटल अकाउंट और रमन कैपिटल अकाउंट। एक के में 97,545 और एक के में 36,970। तो बेस पर जब हम टोटल टैली करें तो बैंक टैली होना चाहिए, और अगर बैंक टैली हो रहा है दैट मींस क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली आपने अटेम्प्ट किया है।
तो 3,08,015 रुपये उस तरफ भी ये टोटल आना चाहिए हमारा। ये 3,08,015 हमारा दोनों साइड का टोटल आता है। इस तरीके से रिजोल्यूशन का ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। थोड़ा लेंथी है, 8 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है, बट ये अगर 8 मार्क्स में आता है रिजोल्यूशन तो इसी प्रकार से आएगा और इतना काम हमें करना ही पड़ेगा। 3 नंबर हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के होंगे, 3 का 4 होंगे रियलाइजेशन के, और 2 और 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक के मार्क्स होंगे, क्योंकि रियलाइजेशन में ही सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है तो मार्क्स वहीं पर ही सबसे ज्यादा होंगे। इस तरीके से एक क्वेश्चन और हमने किया और अपने डिसोल्यूशन के चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कंपनी की तरफ आगे चलेंगे। थैंक यू।